लोग क्या कहेंगे बोलकर आधा कुरान को कुछ हिस्सा मान लिया, कुछ नहीं माना। हमारे समाज में बहनों को कहाँ हिस्सा दिया जाता, मैं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, प्रॉब्लम है ना। पुनः चीज हमारे समाज में ऐसी होती है, ज़कात कोई नहीं देता, मैं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, चलो मैं भी नहीं देता हूँ। हमारे सारे समाज में कोई मुस्लिम खातून पर्दा नहीं करती तो हमारी औरत करेंगी तो लोग क्या कहेंगे, चलो छुड़ा दो उसको भी पर्दा, लोगों का मसला है ना। तो किताब के बाज़ हिस्से पे तो अमल है, बाज़ कुए। अरे मामला तो इस हद तक आ गया शरीयत को छोड़ने का कि तौहीद के मामले में भी कॉम्प्रोमाइज चालू है। लोग क्या बोलेंगे उसके हिसाब से तौहीद पे अमल करो, मतलब उतनी तौहीद लो जितना अपने समाज में चलती, बाकी जो नहीं चलती उसको छोड़ दो। मतलब एक अल्लाह को मानने में भी लोगों की चॉइस के हिसाब से, सुन्नत रसूल पे अमल में भी लोगों की चॉइस के हिसाब से, जिंदगी के दीगर अमल में भी लोगों की चॉइस के हिसाब से। लेकिन अगर ये लोग आके आपको ये बोले आप बहुत ज्यादा कमा रहे, कम कमाओ, चलो जाओ मियां खल तुम्हारे ठिकाने हैं, चलो निकलो ऐसे दिखना नहीं अगली बार मेरे को, यहाँ नहीं मानी जाती इनकी बात। लेकिन ये आके बोले कल की देखो वो नमाज के लिए आप उधर मत जाओ इसलिए कि दुरुस्त नहीं, आपने बहुत सही बोले मैं नमाज छोड़ देता, बिल्कुल अच्छा मशवरा। देखिए अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि ये ठीक नहीं है मुस्लिम खातून का पर्दा करना, अगर आप छोड़ा देते सुभान अल्लाह बड़ा अच्छा मशवरा है आपका, मैं जरूर अमल करूंगा। दुनिया के मामले में चलो उधर ही, क्योंकि पैसों का मामला है ना, और बाकी सारे मामले लोग क्या कहेंगे, अक्सरियत क्या कहेंगे, लोग हमारे समाज में नहीं करते तो मैं कैसे करूंगा। तो तौहीद भी कॉम्प्रोमाइज वाली, इत्तेबाए सुन्नत भी कॉम्प्रोमाइज वाली, शरीयत के अहकाम भी कॉम्प्रोमाइज वाले। हज को जाना भी है तो लोग क्या कहेंगे जब जाना है हमको, ताया ने हज कर लिए, चाचा ने हज कर लिए, अब सब अब्बा को बोल रहे तुम कब करते, अब्बा जाओ लोग क्या बोलेंगे हमको, हमने नहीं करा चलो भेजते तुमको भी। अब अब्बा बीमार जा नहीं सकते लेकिन तुमको जाना पड़ेगा इसलिए कि सब हाजी साहब बन गए, तुम कब हाजी साहब बनोगे अब्बा, हमारी हमको शर्मा रही लोग क्या बोलेंगे। तो हज को भी अब्बा को भेज रहे तो लोग क्या करेंगे, खुद हज को जा रहे तो उसकी भी वजह क्या है, वो सब चले जाके आ गए ना मेरे को अलग ही लग रहा पूरे खानदान में, तब मैं भी चल जाता। हज को भी जाओ तो लोग क्या कहेंगे, वो भी इसलिए नहीं कि अल्लाह ने फर्ज कर दिया इबादत, माल आ गया तो अब चूंकि इबादत फर्ज है, माल हो चुका है उतना, सेहत अल्लाह ने दे दी, सफर की आसानियां, चलो नहीं बड़े भाई कर लिए, छोटे भाई कर लिए, पड़ोसी कर लिए, आ रहे वो फकीर भी कर लिया मोहल्ले का, तुम कब करेंगे, हाँ अब जाके आ जाता मैं। तो गोया हज पर भी जा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे इस वजह से जाया जाए, समझ रहे हैं, मतलब हर चीज का मामला लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।